Hey, what's up, Super Army, and welcome back to another episode of Minecraft. So guys, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बनाया था अपना डॉग हाउस. अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने अपना डॉग हाउस ये वाला बनाया था जहाँ पे सारे डॉग्स मेरे इकट्ठे हो रखे थे. फिलहाल मैं सभी डॉग्स को बाहर निकाला हुआ है एंड ये रहे मेरे प्यारे प्यारे डॉग्स. यहाँ पे तीन या चौथा पता नहीं कहाँ चला गया, आसपास ही हुआ, कोई बात नहीं. और ये रही मेरी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, हमारी प्यारे पैट्स. एक बिल्ली मेरी ये रही, कब से बैठ रखी है उसको भी उठाई देता हूँ मैं. तो बेसिकली आज का जो मेरा प्लान है वो मेरा प्लान ये है कि तुम सबको पता है कि मेरे पास कितना सारा सामान हो रखा है और कोई भी सामान ठीक से अरेंज नहीं हो रखा है. तो मैंने सोचा है क्यों ना आज एक स्टोर रूम बनाया जाए जहाँ पर अपनी अपनी सारी चेस्टें रखा करूँगा एंड वहाँ पर जो सारा सामान हुआ करेगा सारा मैं अरेंज करके रखूँगा ताकि मेरे कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना आए. तो मैंने एक अच्छी जगह सोच रखी है, लेकिन उससे पहले ज़रा सामान ले लेता हूँ मैं जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है आज के इस एपिसोड के अंदर. तो यहाँ मेरे पास कुछ है येलो कंक्रीट, जो सामान की ज़रूरत नहीं यहाँ डालता हूँ मैं. कुछ है वाइट कॉन्क्रीट, स्मूथ स्टोन भी ले लेता हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो. ब्रिक्स भी ले लेते हैं एंड और कुछ हैं यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, स्प्रूस ले लेते हैं. ऑलराइट गाइस, जो भी काम का सामान था मैंने सभी रख ही लिया है एंड जो मैंने स्टोर रूम बनाने का सोचा है वो मैंने सोचा है इस एरिया में, इस वाले एरिया के अंदर मैं बनाऊंगा क्योंकि क्रीपर ने ऑलरेडी इसको तहस नहस करा हुआ है. तो इस जगह को यूज़ करना बिल्कुल सही रहेगा मेरे लिए, यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम इसको. तो सबसे पहले मैं काम करने वाला हूँ जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है. सबसे पहले मैं सभी सामान को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ. सबसे पहले मैं इस प्लेस को इवन कर लूँगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो मेरे को. स्टोन्स चाहिए मेरे को, सभी सामान को ऊपर रख ही दो. शील्ड अपने पास रहने देता हूँ मैं, तलवार ले लेता हूँ, एक्स ले लो, ये भी चाहिए मेरे को. ओके, इतना सामान ठीक है. ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग इतना स्पेस काफ़ी रहेगा मेरी चेस्ट रूम के लिए. और यहाँ ऑलरेडी मेरा चेस्ट रूम बना हुआ है जहाँ की मैं जहाँ पे मेरा फिशिंग फार्म का ऑलरेडी रखा रहता है. तो यहाँ से भी अच्छी बात है कि हम यहाँ से ट्रांसफ़र इजीली यहाँ कर सकते हैं और यहाँ मेरे एक डोर बन जाएगा जो कि रास्ता सीधा मेरा जाएगा फिशिंग डॉट की तरफ, फिशिंग फार्म की तरफ. सॉरी, सबसे पहले करूँगा फ्लोरिंग पे काम. फ्लोरिंग ले होप सो कि 47 इतने काफ़ी हो जाएं, नहीं तो मेरे को और भी बनाने पड़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ग्रेवल है नहीं इतना जो मैं यूज़ कर पाऊँ. तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट अपनी फ्लोरिंग, या फिर हम इसको डिज़ाइन भी बना सकते हैं. ये पहले वाइट की फ्लोरिंग आ गई और उसके बाद रेड डाल दिया हमने, उसके बाद येलो डाल दिया, जो होगा देखा जाएगा. इसको हटाओ, पहले साइड साइड करने वाला हूँ मैं, उसके बाद जाके मैं एंड की डालूँगा. ये तो अभी सही ख़त्म होने लगे हैं मेरे. ऑल राइट, तो मेन बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया है एंड मेरे पास और क्या है, स्मूथ स्टोन. ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्मूथ स्टोन फ्लोर पे लगाने वाला हूँ. अब मैं सोच रहा हूँ कि अब नीचे लगाया जाए रेड. आई थिंक बाहर अंधेरा होने वाला है तभी यहाँ की रोशनी कम हो रही है, ये अंधेरा होने ही वाला है बाहर. अब लगाएंगे थोड़ा येलो का तड़का. अरे वाह, क्या सही लग रहा है हमारा स्टोर रूम. आई थिंक इतना बड़ा स्टोर रूम सही ही रहेगा हमारे लिए. सो मैं तीन तरफ से एक एक ब्लॉक इसकी और अंदर खुदाई कर दी है ताकि हमारे जो ये है ब्लॉक्स वो लग सके आराम से और हमें इतनी जगह इनफ मिल जाए कि हमारा स्टोर रूम बढ़िया लगे. और मैं इसको रंग बिरंगा बनाने वाला हूँ इस बार, रियली में रंग बिरंगा. कितना अच्छा लगता है रंग बिरंगा स्टोर रूम हमारा. और ऊपर से ये जो पिंक लग रहे हैं ना, ये इसको टॉप ले. हाँ, तो इसके साथ जो पिंक पिलर लग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं रियली में, बहुत ही बढ़िया. इधर का हो गया, इधर का हो गया. ओके, मैं इधर का ही निकालना भूल गया. इसको भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये लगाया, इधर का मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया आई थिंक, एक्स्ट्रा निकाल दिया था मैंने, ये भी सही है. इसको इधर 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 इधर
ओके उधर का छूट गया एक, ये रहा एंड ये लो, इधर का कंप्लीट हो गया। अब बस बचा है तो वो इधर का बचा है, ये रहा, और ये भी हो गया कंप्लीट। 2000 years later. All right guys, तो दीवार सारी कंप्लीट हो गई हैं और ब्रिक्स की बस कमी पड़ रही थी तो मैंने इन्हें जिगजैग पैटर्न में लगा दिया है। अब बारी है यहाँ पे कुछ चेट्स को रिप्लेस, कह रहा मैं सॉरी, इनको इवनली लगाने के लिए। तो सबसे पहले चेस्ट में लगाने वाला हूँ इधर की साइड, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये फोर्थ। सभी चेस्टों को मैंने उनके प्लेस पे लगा दे गया है, जैसे तुम देख सकते हो मैंने चेस्ट को डिजाइनर से लगाया हुआ है। एंड अब बारी है यहाँ पे और भी डिज़ाइन करने की, तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो यहाँ पे आइटम फ्रेम तो हम लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा भी मैं कर रहा हूँ सोचने की। तो मेरा प्लान ये है कि जो ऊपर टेराकोटा लगा हुआ है इसके एक ऊपर से, या फिर यहाँ पर टेराकोटा लगा हुआ है यहीं से मैं ग्लास को पूरा कवर करूँ, फिर उसके बाद उसको पूरा पानी से भर दूँ, फिर उसके बाद भी मैं एक और ग्लास को कवर कर दूँ जिससे कि इसकी छत बन जाए वाटर वाली। अगर वाटर अच्छी रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। एंड और क्या सोचा था यार मैं इसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं इन पर आइटम फ्रेम्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके ये लग गए, ओके शिफ्ट दबा करना पड़ेगा मेरे को आई थिंक, यप शिफ्ट दबा के ही करना पड़ेगा मेरे को आइटम फ्रेम और भी बनाने पड़ेंगे। मेरे पास लेदर है नहीं यार, जितनी लेदर थी मैंने सब इसी में लगा दी। मेरे को अपनी प्यारी प्यारी गायों को फिर से मारना पड़ेगा। ओके गाइस, तो बस काफ़ी सारे ग्लासेस आ गए हैं, अब हम इसकी छत को बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक छत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सबसे पहले, और बाकी के जो इन पे प्लेट्स हैं इन पे मैं लगा ही दूंगा बाद में, जिसकी ज़रूरत में बाद में पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना टेराकोटा से स्टार्ट करें, इतनी बड़ी छत सही रहेगी हमारे लिए। इसके ऊपर लगाएंगे हम पानी जैसे कि थोड़ा एक्वेरियम टाइप का लगे, इसको पीछे से कवर करना ठीक ही रहेगा, होप सो कि स्मेल्ट अभी हो रहे हैं ऊपर अभी मेरे ग्लासेस, होप सो कि वो सब इतने इनफ हों कि हमारी छत कंप्लीट हो जाए और डबल लेयर छत बन जाए। अब थोड़े बनाते हैं हम ट्रैप डोर सजावट के लिए। मेरे पास वुड्स तो हैं, मैं वुड लाया था काफ़ी सारी, ये वाली वुड, ओके ये वाले ट्रैप डोर यूज़ करते हैं हम लोग। कितने बने, 16 ट्रैप डोर, आई थिंक 16 ट्रैप डोर इज इनफ। यप यहाँ रखता हूँ इसको, एक यहाँ, यप ये हमारे उसके काम आ सकते हैं फर्नेस वगैरह रखने के लिए। ये हमारे एक तरीके से ना स्टोर रूम भी रहेगा और मिनी हमारा वो भी रहेगा, अगर हमें चेस्ट की जरूरत, चेस्ट रख सकते हैं हम यहाँ पे, चेस्ट तो वैसे ही है, फर्नेस रख सकते हैं हम यहाँ पे बहुत सारी। ओके मेरे पास पत्थर तो पड़े हैं ना बहुत सारे, या पत्थर तो हैं मेरे पास, आई थिंक 4 फर्नेस इज इनफ। ओके फर्नेस को रखते हैं हम यहाँ पे इधर की साइड, एक फर्नेस यहाँ, अरे फर्नेस नहीं आ रहे यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, हमारा सेंटर ब्लॉक ये है ना, एक इधर फर्नेस, ठीक है। क्राफ्टिंग टेबल ये नहीं मेरी, इसको ले जरा तोड़ो इसे, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रख देता हूँ मैं, और बाकी फर्नेस दो ये रहे मेरे, इसको यहाँ लगा दिया फर्नेस, इसलिए कि अगर कुछ मेरे को यहाँ पे स्मेल्ट करना हो तो मैं आराम से स्मेल्ट कर सकता हूँ। एंड कुछ मैं सजावट के लिए ये ब्लॉक्स भी लाया हूँ मैं, ब्लॉक्स भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो, इसकी और भी रख सकता हूँ मैं वैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ और रखेंगे उसके ऊपर। यस एक काम कर सकते हैं, मेरे पास ब्रिक्स है ना, इससे हम पॉट बना सकते हैं ना, या ऐसा करता हूँ एक पॉट और बना लेता हूँ, 1 2 3 दो पॉट हो गए हमारे पास, क्या मैं पॉट को इसके ऊपर रख सकता हूँ, वेट अ सेकेंड, पॉट ये रहे मेरे, यहाँ रख सकता हूँ पॉट में, नहीं शिफ्ट दबा के अगर मैं ट्रैपडोर के ऊपर रखूँ तो नहीं, यप इसके ऊपर रख सकता हूँ मैं, इनके ऊपर काफ़ी अच्छी, आई थिंक बाहर रात होने वाली है, क्या मैं सो सकता हूँ अभी, यप सो गए,
कहते हो भाई क्या बोन से ब्लॉक्स बना सकता हूँ, बोन ब्लॉक। यार बोन ब्लॉक क्यों नहीं बन रहे, बोन ब्लॉक तो बनने चाहिए। एक मैं सर्च मारता हूँ, बोन मील, ये क्या है, बोन ब्लॉक। अच्छा बोन मील से बोन ब्लॉक बनेंगे, ओके मैं समझ गया। तो पहले मैं बोन्स रखनी है बोन मील्स में से। ओ भाई साहब कितने सारे मिल गए हमको, तो हम इनसे बना सकते हैं बोन ब्लॉक। अरे वाह, ये मेरा सेंटर हो गया ना, ये आपका सेंटर ही है मेरा। इसको यहाँ के दो ब्लॉक निकालता हूँ पहले मैं। ओके दो ब्लॉक निकल गए। ये पीछे क्या है, अच्छा पीछे तो वो है। और यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, और ये ट्रैप ट्रैप डोर, देखो क्या हम अच्छे लग रहे हैं। एंड मैं यहाँ सोच रहा था, मेरे पास और भी पड़े हुए हैं ना, ये मेरे वो कहाँ गए स्लैब, ये रहे, बोन मील के बगल बगल में लगा दो, है ना। एक यहाँ लगा दिया जाए, एक यहाँ लगा दिया जाए। मेरे पास कैक्टस नहीं है, तो कैक्टस को भी यूज़ मैं कर सकता था इस एरिया में। एंड एक चीज़ देखूँ मैं, कि जो हमारा होता है स्मोकर, स्मोकर कैसे बनता है हमारा। ओके बीच में फर्नेंस और साइड में लॉग रखने हैं हमको, लॉग। तो मैंने काफ़ी सारे लैम्प बना के रख ली हैं, इतनी काफ़ी तो नहीं है, लेकिन 6 लैम्प आई थिंक काफ़ी होंगी फिलहाल के लिए। तो एक इसको, एक इसको इसके ऊपर रखते हैं, एक इसको इसके ऊपर यहाँ रखते हैं, 4 है ना। और एक कहाँ टांगे, एक ऐसा करता हूँ यहाँ टांग देता हूँ मैं, यह टंकी नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन है कि स्लैब्स के ऊपर टंगते ही नहीं है ये। ओके यहाँ लगा देता हूँ, उसकी कोई बात नहीं है, अगर स्लैब्स पे नहीं लग रहे तो। 1 2 और 1 2, अभी कितनी है मेरे पास, 2 और बची हुई हैं। एक लगा दो यहाँ पे, एक लगा दो यहाँ पे, और मेरे को और भी बना के लानी पड़ेंगी। मेरे पास आयरन तो होना चाहिए। सो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वो पानी कवर कर दूंगा, मैंने उसे पानी कवर कर दिया है। एंड हम नीचे जाके देखने वाले हैं कि ये नीचे से देखने में कैसा लगता है। एंड मैंने और भी लैंटर्न्स को बना लिया है। माय गॉड गाइस कितना ऑसम लग रहा है। एक काम और कर सकता हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे डर्ट लगाई हुई है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसी दूसरे पत्थर से, तो ये काफ़ी और अच्छा लगेगा। ठीक है अब मैं और भी लैंप लाया हूँ, तो मैं इनको और इनको फिट कर देता हूँ ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो इसका सेंटर ब्लॉक ये है, तो एक यहाँ लग सकता है, क्यों नहीं लग रहा ये। या लग तो गया क्या, यहाँ सही लग, सही जगह लगाइए। एंड इसके एक इसके ऊपर ये लग गया, बिल्कुल सही लगाइए। एंड इसके इधर ना गलत लग गया, ये यहाँ लगेगा। मैं भी किससे तोड़ रहा हूँ इसको यार। ओके ओके ये भी टूट गया, तो काफ़ी जगमग हो गया हमारा। और मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये पड़े हुए हैं तो मैं इनको लगा सकता हूँ, क्योंकि यार लैम्प को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, रियली में बहुत खर्चा। तो जहाँ पे ऐसे करते हैं, एक लगा दो यहाँ पे, जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ पे एक यहाँ लगा दो। अगर यहाँ गलती से कोई भी स्पॉन हो गया ना, तो भाई मेरे लिए मुसीबत हो जानी है सच में। और कहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा दो बोन मील के ऊपर, एक यहाँ एक यहाँ। एंड या मैं एक फर्नेंस तो लाया हूँ, फर्नेंस ला पाया ना मैं। एक काम करता हूँ, मेरे पास नो कोबल स्टोन पड़े हुए हैं एंड मेरे पास स्लैब्स भी पड़े हुए हैं, नहीं स्लैब नहीं मेरे पास, सॉरी, मेरे को काट के लाने पड़ेंगे। जो हमारा अब ये कहाँ गया स्मोकर है, इसको रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो इधर हमारा ब्लास्ट फर्नेस, इधर हमारा स्मोकर हो गया, और एक लैंटन और पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, इसको मैं इधर की साइड या इधर लगा सकता हूँ मैं, बाकी हम बाद में ले आऊँगा। मेरे को अभी कैक्टस भी लाने हैं बहुत सारे, और मैं कुछ सोच रहा था, मैं भूल गया मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था यार मैं। हाँ एक आइडिया आया मेरे में, इसका यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से। हाँ इसका मैं ऐसे करता हूँ कि 4 है ना हमारे पास, इसको मैं यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने इसको ऐसे, यहाँ लगा दिया, थोड़ा भरा भरा सही रहेगा ना, और भी अच्छा लगेगा। ये देखो
भाई क्या ऑसम लुक आ रहा है, रियली में ऑसम से ब्लॉसम। ऑल राइट, तो गाइस हमारा फाइनली स्टोर रूम जो है कंप्लीट हो चुका है। कमेंट डाउन लोगे तुम्हें आखिरकार ये स्टोर रूम कैसा लगा, और तुम बताओ कि इसके अंदर मैं और क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ, मतलब क्या चीज़ें इधर से उधर कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड आगे कुछ वीडियोस के लिए बताओ कि मेरे को आगे कुछ वीडियोस में करना क्या चाहिए। इस जगह को मैं खाली छोड़ दूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर बनाऊंगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।